है, कौन सी वीआईपी सीट है। लेकिन वीरेश से हम बात करते हैं। वीरेश, रायबरेली की अगर बात करें तो अदिति सिंह की मां भी, उनकी किस्मत का फैसला भी कल होना है। तो अवध की कई ऐसी हॉट सीट हैं जहां पर कल नतीजे बेहद रोचक रहने वाले हैं। वीरेश, देखिए, स्वर्गीय अखिलेश सिंह जो विधायक थे, दबंग थे, उनकी पत्नी हैं अदिति सिंह, उनकी बेटी हैं, उनकी माँ हैं। तो अखिलेश सिंह की एक लिगेसी है, नेहरू गांधी परिवार, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को चुनौती देकर वो पीस पार्टी निर्दलीय चुनाव जीतते थे रायबरेली से विधायक थे। जब यूपीए की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब रायबरेली से जीतते थे अखिलेश सिंह। तो उनकी पत्नी है, तो ये उनकी परंपरागत सीट है। तो ये माना जा रहा है कि इस तरह की बहुत सारी वीआईपी सीट है, किसी सांसद की पत्नी, किसी विधायक का बेटा, किसी मंत्री का रिश्तेदार, ये जो वीआईपी सीट है इससे मुकाबला इतना आसान नहीं है। हालांकि ये तो ज्यादातर निर्विरोध हो गए, जो निर्विरोध से बचे ज्यादातर उम्मीद ये है कि वो कल जीतेंगे, क्योंकि शासन सत्ता रसूख बिल्कुल वीआईपी सीट के प्रति जो सदस्य हैं, बीडीसी सदस्य हैं, उनका भी एक झुकाव होता है, वो भी वोट देते हैं। तो ऐसे में हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वीआईपी, तो जब वीआईपीज हैं तो जीतेंगे ही, बहुत कम ऐसी सीटें होंगी कि वो हारेंगे। तो वीआईपी बिल्कुल वीरेश, तो इन वीआईपी सीटों पर सबकी नजर है। वीरेश, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि हमें पश्चिम उत्तर प्रदेश